तो आज के इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ चांद पर। हाँ, मुझे पता है अर्थ से चांद का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 384,400 किलोमीटर है, बट समहाउ मैं उसे मैनेज करूंगा सिर्फ 120 किलोमीटर में। जानना चाहते हो कैसे? मेरा नाम है शोएब मलिक और अभी मैं हूँ दुनिया की बहुत खूबसूरत जगहों में से एक लद्दाख की लेह सिटी में, जहाँ से मेरा ये सफर शुरू होगा। एक्चुअली कल रात को अलर्ट आ गया था कि लेह में वेदर चेंज होने वाला है और सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। एक्चुअली कल रात से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और रिसेप्शन पे भी पूछा तो खाटुंगला में बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है। वहां जाना सेफ नहीं है क्योंकि अगर हम हुंडर विलेज नुब्रा वैली जाते तो हमें खाटुंगला होते हुए जाना पड़ता और खाटुंगला में बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है। पेंगोंग जाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि 3 साल पहले जब गया था तो कुछ इतना खास लगा नहीं था, बस इडियट्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सारा सेटअप राजकुमार हिरानी ऐसे छोड़ के गए थे। उसके अलावा एक प्लान और था कि पुगा वैली होते हुए टीएसओ मोरीरी हानले के अंदर हम आज स्टे करते, बट अनफॉर्चुनेटली बैड वेदर की वजह से वहाँ जाना भी सेफ नहीं है। तो आज और अभी हम लोग जा रहे हैं लामायुरू, जिसे मूनलैंड भी कहते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे कारगिल के लिए। ओके, तो गाइज लामायुरू कारगिल जाने के लिए हम लोगों को अपने कल वाले रोड से ही जाना पड़ेगा, मैग्नेटिक हिल संगम पॉइंट से होते हुए वही, क्योंकि एक्चुअल में लेह और कश्मीर रोड है। ओके, तो यार अभी हम लोग लामायुरू मूनलैंड पहुंचे नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता बचा है, उस तरफ जाना है हमें। और मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मुझे व्यू बहुत प्यारा लगा, ये हमारे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और ये प्यारी सी नदी, और यहाँ पे बारिश भी आ रही है, ठंड भी हो रही है, अच्छा है स्वेट शर्ट डाल ली थी मैंने। लेट्स गो, सोचना पड़ता है रे, चला जा भूतनी के, चला गया। तो ऑलराइट गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ मूनलैंड, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इस तरफ भी ऐसे माउंटेन्स हैं, उस तरफ भी हैं और इधर भी हैं, और लिटरली यार ऐसा लग रहा है कि चांद ना जमीन पर आ गया, तो हम ऑफिशियली चांद की सतह पे चल रहे हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जब फुल मून होता है ना तो ये जितने भी माउंटेन्स हैं, जितनी भी पीक्स हैं, सारी की सारी ब्राइट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। मैं सोच रहा था ड्रोन उड़ाने के लिए, बट बारिश हो रही है, लेट्स सी अगर बारिश रुकती है तो यहाँ पे मैं वापस आऊँगा। अभी लामायुरू है, यहाँ से 2 किलोमीटर लामायुरू से पहले ही पड़ता है मूनलैंड, एंड दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वेरी फ्रेंकली इतने प्यारे प्यारे व्यूज आ रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। सीरियसली मैं जितने सिनेमैटिक ले सकता हूँ उतने ले रहा हूँ, लेकिन ज्यादा सिनेमैटिक लूंगा ना तो मेरी स्टोरेज फुल हो जाएगी। और अभी कारगिल भी पहुंचना है, कारगिल पहुंचने में भी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा हमें। और अभी हम लोग पहुंचे थे कारगिल सिटी और एक होटल में हमने बुकिंग कर रखी थी ऑलरेडी, जिसका नाम है, तो वहां पहुंचने के बाद ना वो ऐसे इंक्वायरी कर रहा है जैसे मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। हेलो, वो कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, आपने बुकिंग क्यों करी है, तो उसके बाद उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उसके बाद सोचा चलो दूसरा दूसरा होटल देखते हैं। पूरा का पूरा ना कारगिल सिटी ऐसी लग रही थी ये कि बस निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ किसी तरीके से। तो हम दोनों ने डिसाइड कराया कि हम कारगिल में नहीं रुकने वाले, हम लोग जा रहे हैं अब सीधा सोनमार्ग या द्रास। हो सकता है शायद द्रास में स्टे करें क्योंकि द्रास में एक वॉर मेमोरियल भी है, और अदरवाइज वरना हम डायरेक्ट जा रहे हैं सोनमार्ग। अगर आप लोग कारगिल आओ तो हाँ, कारगिल में पीक बहुत खूबसूरत है, रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, और माउंटेन्स रेंज तो पूछो मत यार, अल्टीमेट है लिटरली। बट अगर आप स्टे करने की सोच रहे हो कारगिल में तो प्लीज मत करना, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि ऐसा मुझे फील हुआ दैट आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट सेफ हियर,
यहाँ पे कभी भी लड़ाई हो जाएगी, इतनी भीड़ भड़का नहीं हो पाया मुझसे। तो नाउ वी आर गोइंग टू द्रास, अगर द्रास में हमें स्टे मिलता है वेल एंड गुड। मैंने द्रास में बुकिंग नहीं करी है अभी। वैसे तो मैंने मैप डाला है सोनमार्ग का, विच इज गोइंग टू बी 118 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 3:24 और 6:12 तक हम पहुंच जाएंगे सोनमार्ग। तो अभी भी हम लोग कारगिल में हैं एंड आई वेरी ऑनेस्टली यहाँ की जो पीक्स है ना और जो सीन्स हैं, मतलब बहुत खूबसूरत है। यहाँ के माउंटेन्स बहुत खूबसूरत है कारगिल के, बस कारगिल सिटी मुझे खूबसूरत नहीं लगी। और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर पाया। और होपफुली अगर द्रास में रुके तो रुके, अदरवाइज सोनमार्ग जिंदाबाद। अभी जोजिला पास भी क्रॉस करना है, बट यार बहुत खूबसूरत है कारगिल की पीक, बहुत खूबसूरत है माउंटेन रेंजेस की। अगर कारगिल आना है तो बस ये है कि यहाँ पे विजिट कर लो, स्टे करने का मत सोचना यार। एक तो बहुत ही वाहियात होटल्स हैं और उसके ऊपर से एटीट्यूड इतना, इतनी पूछताछ जैसे पता नहीं क्या ही है भाई। तो बस यही था। अब इन पहाड़ों के बीच से निकल रहा था तो मैंने सोचा यार इसके बारे में बता दूं, लेकिन बहुत खूबसूरत है, सीरियसली बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती अपनी जगह है। अभी हम सोनमार्ग जा रहे हैं, कश्मीर एंटर होंगे, उसकी खूबसूरती अपनी जगह है। लेकिन एवरी माउंटेन इज ब्यूटीफुल, इट्स टू ब्यूटीफुल टू बी ट्रू। तो यार 1 हो गया हमें कारगिल से निकले हुए और हम पहुंचे हैं द्रास। द्रास में एक है जिसको वॉर मेमोरियल कहते हैं, जिसमें सारे शहीदों के बारे में बताया गया और 15 मिनट्स की एक वीडियो भी है, बट हम उसको नहीं देखने वाले क्योंकि बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत ज्यादा छोटा है। मुझे लगा शायद अगर थोड़ा बड़ा टाउन होगा तो यहाँ पे रुकेंगे, बट यहाँ की भी वादियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी वादियाँ हैं, यहाँ की भी ग्रीनरी है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली सोनमार्ग जा रहे हैं और ये बचा है तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 63 किलोमीटर। टाइम हो गया है 4:30, सो होपफुली विल बी इन सोनमार्ग इन अबाउट 1.5 आवर। लेट मी शो यू व्हाट आई पास। अभी हम पास पे चढ़ाई कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली बचा है अभी रास्ता 12 किलोमीटर का टॉप पर जाने के लिए। उसके बाद नीचे उतरने के बाद विल बी इन सोनमार्ग और रास्ता कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही वाहियात है। बट हाँ, एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि ये मनाली वाले से करोड़ों गुना बेहतर रास्ता है, बहुत बेहतर है। सर्दियों में यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, बिल्कुल सफेद, ऐसा लगता है कि किसी ने पेंट कर दिया हो और उसके ऊपर चॉको चिप डाल दी हो वनीला आइसक्रीम की तरह। ऑलराइट गाइस, तो अब 7:18 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए सोनमार्ग में। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि अभी यात्रा निकल रही है, जिसकी वजह से ना किसी को सोनमार्ग में एंट्री दे रहे हैं और जो ऑलरेडी सोनमार्ग में है वो सोनमार्ग से जा भी नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस दे हैव द बुकिंग। बट अभी जो हम लोग सोनमार्ग में एंटर हुए हैं, जल्दी जल्दी मैंने होटल बुक करा, उसका रीज़न ये था कि हमको वहीं पे रोक रहे थे कि सुबह तक यहीं पे इंतजार करो जब सुबह 5 रास्ता खुलेगा। तो जल्दी जल्दी होटल बुक करा, अब उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि होटल हो गया 31 किलोमीटर आगे। नाउ आई एम वंडरिंग कि ये लोग 31 किलोमीटर आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, अदरवाइज
लास्ट टाइम जब मैं सोनमार्ग आया था 2 महीने पहले, तो मैंने यहीं पे होटल बुक करा था और उस टाइम पे पूरा सफेद हुआ था, अप्रैल के अंदर पूरा वाइट पड़ा हुआ था, लिटरली बहुत ही ज्यादा बर्फ थी। और अब सोनमार्ग कुछ ऐसा दिखता है गर्मी के अंदर। ऐसा सोनमार्ग दिखता है गर्मियों के अंदर और लिटरली यार ये पूरा ग्रीन हुआ हुआ है। हमारा प्लान ये था कि सोनमार्ग जब पहुंच गए थे तो हमने डिसाइड करा चलो श्रीनगर ही चल देते हैं एंड टू एंड, बट फिर सोचा कि नहीं यहीं पे रुक जाते हैं। भाई देखिए था मेरा होटल, होटल मुगल इंडिया, यहाँ पे मैं रुका था लास्ट टाइम। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे जो कि है यहाँ से 31 किलोमीटर नीचे, और अभी 5 किलोमीटर नीचे है ना सोनमार्ग की एंट्री है, वहाँ पे लास्ट चेक पोस्ट मिलेगा हमें अगर उन्होंने वहाँ से जाने दिया, वेल एंड गुड, अदरवाइज वापस 5 किलोमीटर आना पड़ेगा हमें। सुबह 8:30 बजे के निकले हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 11 घंटे होने वाले हैं या हो गए हैं 11 घंटे, 7:20 हो रहे हैं, 11 घंटे हो गए अप्रॉक्सीमेटली ड्राइव करते करते, और अगर जाने भी दिया ना तो फिर भी हम अपने होटल पहुँचेंगे 8 या 8:15 के आसपास। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बिकॉज ये मेरी जर्नी कश्मीर वाली पिछली बार वाली जर्नी सारी की सारी अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, नो वन कैन प्रिडिक्ट। कितने प्लान्स बनाए मैंने, कितने नोट्स लिखे कि यहाँ जाना है, इतना रुकना है, इतना चलना है, इतना खाना है, एवरीथिंग इज वेस्ट। तो दूसरी चीज़ मैं समझ गया हूँ, पहली चीज़ तो अप्रैल में कभी नहीं आना था कश्मीर, अप्रैल में लद्दाख भी कभी नहीं जाना, जुलाई में भी नहीं जाना कश्मीर, जुलाई में भी नहीं आना, लद्दाख भी नहीं जाना, क्योंकि कब वेदर चेंज हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ओके तो गाइज अभी हम खड़े हुए हैं सोनमार्ग का जो एंट्री पॉइंट है, ये सोनमार्ग का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर रोक लिया है, कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, होटल की बुकिंग वगैरह सब दिखा दी है बट उसके बाद भी कह रहे हैं नहीं जाने देंगे, सुबह 4 बजे तक यहीं पर इंतज़ार करूँ। अभी बात चल रही है पुलिस वाले से, नाउ लेट्स सी क्या होता है। और हमारे साथ साथ देख रहे हो पीछे और भी गाड़ियाँ हैं, आई थिंक पुलिस वाला बुला रहा है हमें। तो गाइस फाइनली सोनमार्ग से हम लोग आ गए, सोनमार्ग से हमारा होटल 30 किलोमीटर दूर था, कोई एक छोटा सा गांव है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बुकिंग करी थी होटल की, उसकी वजह से 30 किलोमीटर आगे था। किस तरीके से हम लोग आए मैं खुद जानता हूँ, रात के बज गए 9 और ये हमारा होटल है, ये हमारा बेड है। प्लीज़ ये मत पूछना कि कितने का बुक करा है, ये समझ लो यहाँ पे रूम सर्विस के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक अलमीरा नहीं है, बाथरूम भी कैसा है बस गेस्ट हाउस जैसा, और इतने का वो है ना कि मैं बताऊंगा ना तुम कमेंट में सारे हंसोगे, जस्ट लेट इट बी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मैं थक गया हूँ बहुत बुरी तरीके से, अब मैं जा रहा हूँ सोने, कल शायद श्रीनगर होते हुए लेट्स सी कल की कल देखते हैं।